थाना प्रशासन लुकाई में। सिवान के डीएफी मोड़ पे जो आम लोग हैं और कुछ समर्थक हैं, उन लोगों और पुलिस में झड़प हो गई है, जिसके बाद से जो पुलिस के जवान हैं काफ़ी संख्या में तैनात है और जो एएसपी हैं कांतेश मिश्रा, वो इस पुलिस बल के साथ आगे मोर्चा को संभाले हुए हैं और उधर से जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस पे कई बार पत्थर चलाए गए हैं। वैसे समय में पुलिस के तरफ से भी बचाव में हवाई फायरिंग की गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। कई तरह की गलियों से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। हाँ, बाजू पे हमको चोट लगा है। कहाँ तैनात हैं आप? कहाँ तैनात हैं? हम तो यहीं गेट पे तैनात हैं। क्या हुआ है? शुरू से बताइए क्या हुआ है? पता नहीं, ये लोग एकाएक क्यों अपना आके लगे हल्ला गुड़ा करने, ईंटा चलाने लगे। पत्थर तो आप देख रहे हैं, सारे पत्थर बिखरे हुए हैं। तो आपको कैसे चोट लग गई? उसमें वो लोग ईंटा चला रहे हैं ना। प्रशासन पे चला ईंटा? नहीं, प्रशासन की तरफ से ईंटा क्यों चलाया जा रहा है? प्रशासन पे चला है। प्रशासन पे वो लोग ईंटा चलाए हैं। अपना नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। पीछे हो पत्थर भी प्रशासन पे चले थे ताकि मैं कुछ सारा जी तो पत्थर चला दिया था जी। और अभी इसकी नियंत्रण है, पुलिस कर्मी भी सब कुछ जा ले, अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा अभी फोर्स का हेरेसमेंट करेंगे उसके बाद। अभी सर क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल सामान्य है, आप स्वयं यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ एक लोग जिज्ञासु थे, शायद रिजल्ट को जानने के लिए इकट्ठा हुए, उन्हें समझा दिया गया है कि वो यहाँ से चले जाएँ और जो भी टीवी और इंटरनेट के माध्यम से सारे रिजल्ट उपलब्ध है वहाँ से। आगे सर अगर जीत हार हो रही है, फाइनल रिपोर्ट आ रहा है, तो जो सर विपक्षी हैं जो हारेंगे, जाहिर सी बात है ऐसी होगी, तो उनसे किस तरह से जो जैसा कि मैं पहले बताया था कि संयुक्त आदेश के माध्यम से हर जगह डेपुटेशन है और मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी हर जगह तैनात है और हम सभी लोग अलर्ट हैं, क्यूआरटी टीम रेडी है। सभी से अनुरोध रहेगा कि लोकतंत्र में इस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से रिजल्ट को लिया जाए और सामाजिक सौहार्द।